देन पाकिस्तान ने यहाँ से भेज दिया PNS गाजी को। गाजी एक पनडुब्बी थी, इसको आदेश दिया था जाकर मार के किसको, विक्रांत को। अगर विक्रांत जहाज डूब जाता तो वाकई हमें युद्ध जीतने में बहुत दिक्कत आती। तो गाजी कैसे डूबा, इसको तो हमने खराब जहाज से मार दिया। तो इधर समझते हो उधर कितना भयानक घटना, तो इतना कितना भयानक ज्यादा घटना। तो समझते पाकिस्तान ने यहाँ से PNS गाजी को भेजा था विक्रांत को डुबाने के लिए समुद्र में, या अंडमान निकोबार है और या बंगाल की खाड़ी में जाने के बाद डुबा देना। तो भारतीय एजेंसियों को पता चल गया, नौसेना को, पाकिस्तान की पनडुब्बी तो पानी के अंदर है, उसको साइलेंट किलर कहा जाता है। तो पानी PNS गाड़ी आ रही थी तो विक्रांत को छुपा दिया, मतलब थोड़ा सेफ्टी। या पोर्ट में ना विशाखापट्टनम, वहां पर भेज दिया था विक्रांत को। और पूरा विक्रांत जहाज पूरा सारे मछुआरे को बोल दिया, हट जाए, बहुत बड़ा जहाज है, बहुत बड़ा विक्रांत है, आप खाली कर दीजिए, आप लोग पूरा सब भाग गए, पूरा खाली कर दिया, पूरा मछुआरे सब भाग गए, पूरा डरते वाले ऐ विक्रांत तारे भागो भागो ऐसे पूरा मचा दे पूरा। और जैसे ही यहाँ विक्रांत आया तो PNS गाड़ी उधर देख रहे इसको ना, ऐ विक्रांत तो उधर का छन मार रहा है। अब बाद में इस गधे को पता है तो उसमें चला गया विशाखापट्टनम में, तो वहां से सीधे इधर की ओर ले गया विशाखापट्टनम में। अब विशाखापट्टनम में चुपचाप से शांति से कहा राजा आने साथ वो इंतजार कर रहा था, तो पानी के अंदर अंदर आओ और देख रहा था एक पनडुब्बी पानी के बाहर और अंदर चल रही है। तो PNS गाजी INS राजपूत को मारता, उससे पहले INS राजपूत मारकर तबाह कर दिया PNS गाजी को। PNS गाजी के डूबने के बाद पाकिस्तान को एहसास हो गया हम कभी ये युद्ध जीत नहीं सकते, क्योंकि ये PNS गाड़ी अमेरिका से खरीदी है, अमेरिका की सबमरीन थी, अमेरिका ने पाकिस्तान को दी थी। बाद में अमेरिका ने सबसे खतरनाक जहाज अपना भयानक जहाज सातवां बेड़ा भेजे, या सातवां बेड़ा खड़ा था इधर, सातवां बेड़ा, और इधर एक और जहाज आ गया था हमसे खिलाफ लड़ने के लिए ईगल बेड़ा दोनों हमारे खिलाफ आ गए लड़ने के लिए। और इंदिरा गांधी ने करा ले अरे रूस को बोल अरे भाई मदद करो, इतना खतरनाक जहाज भेजे जैसे सातवां बेड़ा भेजे। तो रूस ने कहा अरे टेंशन का है तो हमारे ना भारी भरकम जहाज लेकर परमाणु बम लेकर। बाद में या भारत का विक्रांत या जहाज वो पूरी रूस की ये 40वां बेड़ा यहाँ से रूस की एयरफोर्स भारत की देखभाल करना, और यहाँ सातवां बेड़ा और ये बेड़ा एक और बेड़ा अपने मुंह देख रहा था इधर देखकर, और रूस अपनी सारी पनडुब्बी को ऊपर कर दिया समुंदर के ऊपर, क्योंकि सैटेलाइट से इमेज पता चल सके। फिर ये सातवां बेड़ा बोलता है हम तो परमाणु बम लेकर आए, जब 40वां बेड़ा भी बोला जब हम भी चले थे ना तो हम भी परमाणु बम लेने चले थे। और चीज ये उसके बाद यहाँ पर युद्ध स्टार्ट हुआ, यहाँ 40वां बेड़ा ने दौड़ा दौड़ा कर जैसे पास में आए बॉर्डर के टॉर्पिडो लॉन्च कर दिया, वाह जैसे 10 टॉर्पिडो लॉन्च कर दिया पनडुब्बी से, जैसे झास लगा धड़ाम जहाज तो बच गया सातवां बेड़ा, पर इधर ईगल बेड़ा था, इधर ईगल जहाज ईगल बेड़ा और इधर सातवां बेड़ा, तो टॉर्पिडो बीच में से चली गई और समुंदर में डीप नीचे चली गई, नीचे पता नहीं क्या हुआ उसके साथ। युद्ध स्टार्ट हो गया, पूरा एयरफोर्स सब धड़ाम 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 पूरा युद्ध कर दिए, पूरा बच गई दोनों जहाज, ईगल बेड़ा थोड़ा डैमेज हुआ था उन दोनों पर, फिर उनको यार्ड में रिपेयरिंग डॉकयार्ड में रिपेयरिंग के लिए भेज दिया, तो कुछ दिन के बाद रिपेयर होकर आए। फिर हमारे पास फिर उनके पास एक और तरीका था, ये इन महाराजों को कैसे दौड़ा दौड़ा कर मारे पाकिस्तान और चाइना को। चीन इधर चीन और पाकिस्तान दोस्त बन गए थे और इन
दिया था पूरा कोरोना काल 2020 तक, सब बंद कर दिया था, होटल वोटल सब बंद, घर से कोई हिल नहीं पाता था, ऑनलाइन क्लासेस भी सब ऑनलाइन ही होती थी, कुछ नहीं हो पाता था, भारी कोई नहीं जा सकता था, इतना भारी हाल हुआ था। और फिर सीधे यहाँ पर सातवां बेड़ा आ गया, क्योंकि इन सब देशों से ही यहाँ पाकिस्तान और चाइना को पेट्रोल डीजल मिलते हैं, और ऐसा मारा ना जहाज को, पूरा पेट्रोल डालकर आग लगा दी, पूरा जहाज काला हो गया, पूरा इतना मारा ना भयंकर काला होकर जहाज हवा में ही उड़ गया, पूरा बच्चा है बिगड़ गया, ढंग से मारिए, पूरा जहाज उड़ा दिया, उसकी धरती पूरी पूरे ऊपर का कवर कवर स्टील विल सब और एंटीना ना सब ब्लास्ट हो गया, पूरा जल गया, राख हो गया सब। अरे ढंग से मारी, बच्चा है बिगड़ गया तो ढंग से मारिए। बाद में जहाज सारी डूब गई, तब पाकिस्तान अपना पूरा सरेंडर मार लिया। अब चाइना भी, अब हम बताओ क्या रहे हैं, यहाँ से पूरा एयरफोर्स भेजेंगे सब।